सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हम आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाने वाले हैं जो सन 2008 से लेकर जून 2019 तक आए हैं, और काफ़ी बार तो ऐसा होता है दोस्तों इन क्वेश्चन में बिल्कुल डिट्टो कॉपी स्टेटमेंट होते हैं और उनके जो ऑप्शन होते हैं वो भी बिल्कुल सेम होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों, और मैं बार बार आपको कहता हूँ कि UGC नेट के अंदर हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर उन क्वेश्चन को हम अच्छे से देख लेते हैं तो बिल्कुल आसानी से हम एग्ज़ाम कर सकते हैं और अपना नेट प्लस में GRF बिल्कुल आसानी से हो सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों हमने NDA UGC नेट दिसंबर 2019 एग्ज़ाम के लिए एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप में हम आपको दोस्तों सिस्टमेटिक ढंग से स्टडी करवाएंगे। इस ग्रुप में आपको हर रोज़ दो वीडियो मिलेगी, सुबह की जो वीडियो होगी वो थ्योरेटिकल होगी और शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे और उनका मॉक टेस्ट भी लेंगे। इस ग्रुप में आपको दोस्तों 10 यूनिट के PDF स्टडी नोट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको 2012 से लेकर 2019 तक टॉपिक वाइज ओल्ड पेपर PDF दी जाएगी, और इसके साथ साथ आपको हर यूनिट में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन की PDF दी जाएगी। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपनी स्टडी अच्छे से कीजिए। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हुए। ये देखिए, ये जून 2008 का क्वेश्चन पेपर है। इसके अंदर ये क्वेश्चन देखिए, अगर एक वस्तु को 11% की हानि से 178 रुपये में बेचा गया है तो उसे 11% लाभ पाने के लिए किस कीमत पर बेचना होगा। यहाँ से देखिए ये क्या कह रहा है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। कोई वस्तु है उसे हम 11% हानि पे 178 रुपये में बेचते हैं, उसी वस्तु पर अगर हमें 11% का लाभ चाहिए तो उसे कितने रुपए में बेचना होगा, ये यहाँ पे बात कह रहा है। अब यही क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों दोबारा कब आया है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा 26 जून 2019 मॉर्निंग का पेपर है। इसके अंदर ये क्वेश्चन देख सकते हैं 25, इसमें कहा है ए पर्सन इंश्योर 10% लॉस बाय सेलिंग ए वॉच फॉर रेट 1800 रुपये। यानी कि एक व्यक्ति है जो 10% हानि पर किसी वस्तु को, यानी कि वॉच को 1800 रुपये में बेचता है। एट व्हाट प्राइस शुड द वॉच वी शुड टू अर्न 10% प्रॉफिट, यानी कि उसी वॉच को 10% लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है। और इसी तरह का क्वेश्चन दोबारा फिर आया था जो 26 जून 2019 इवनिंग की जो शिफ्ट थी उसमें दोबारा फिर ये क्वेश्चन आया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते कि ये तीनों के तीनों क्वेश्चन किस तरह से हम करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले हमें इनका फॉर्मूला पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन दो फॉर्मूले से हमारा ये क्वेश्चन निकलेगा। अब देखिए, हानि होने पर क्रय मूल्य, अब देखिए यहाँ पे ये क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बेचने की बात कर रहा है, ये इसने चीज़ बेची है तो अब लाभ कमाने के, ये अब देखिए 11% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना होगा, यानी कि यहाँ पे हमें विक्रय मूल्य पता करना। तो इससे पहले हमें क्रय मूल्य पता होना चाहिए कि वो वस्तु कितने रुपए में उसने खरीदी है, वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे ये दिया हुआ है दोस्तों, हानि होने पर क्रय मूल्य। क्रय मूल्य वो होता है दोस्तों जिस कीमत पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं, और विक्रय मूल्य वो होता है जिस कीमत पर हम कोई वस्तु बेचते हैं। अब देखिए, हानि होने पर क्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य गुना में 100/100 माइनस में हानि प्रतिशत। अब इसके अंदर ये देखते कि ये जो पूरा का पूरा फॉर्मूला है इसके अंदर कहाँ पे किस तरीके से बैठता है। अब देखिए, इसके अंदर विक्रय मूल्य क्या होगा, 178 रुपये होगा, और हानि प्रतिशत क्या होगी हमारी, 11% होगी। तो अब इसका हम क्रय मूल्य निकालते हैं, हानि होने पर क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य को हम यहाँ पे के लिख देते हैं, यहाँ पे क्रय मूल्य हमने के लिख दिया। ये क्या होगा दोस्तों, ये होगा हमारा विक्रय मूल्य गुना में 100/100 माइनस में जो हानि प्रतिशत है वो लिख देते हैं। हानि प्रतिशत कितना, अपना यहाँ पे 11% है। तो अब इसमें पूरा का पूरा लिखते हैं, इसमें विक्रय मूल्य कितना है, 178 गुना में 100/100 माइनस में 11। अब ये देखिए, 178 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारे पास ये आ जाएगा
178 और लास्ट में 20 लग जाएगी। और फिर नीचे क्या होगा, 100 में से जब हम 11 माइनस करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों हमारे पास, 89 यहाँ पे आ जाएगा। जब हम 17,800 को इसको 89 से कट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 200 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए 200 हमारे पास क्या है, ये है हमारा क्रय मूल्य है दोस्तों, जिस कीमत पे हमने चीज़ खरीदी है वो है। अब आगे हमें क्या निकालना है, अब 11% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना होगा, अब हमें इसका विक्रय मूल्य निकालना है, यानी कि सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। और ये जो अभी हमने 200 निकाला ये है कॉस्ट प्राइस है हमारी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान में रख लेना, हमने जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी निकालनी है, निकाली है 200 रुपये निकाली है। और 200 रुपये निकालने का जो फॉर्मूला ये है, और ये फॉर्मूला मैंने आपको पीछे भी दिखाया था, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकाल ली यानी कि CP निकालनी, अब हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे, SP निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अब देखिए इसका जो फॉर्मूला है दोस्तों, इसका फॉर्मूला ये है, लाभ होने पर विक्रय मूल्य क्या होगा, इसका जो फॉर्मूला है क्रय मूल्य इंटू में 1+ में लाभ प्रतिशत बटे में 100। अब देखिए ये इसके अंदर हम रख के देखते हैं। अब देखिए जो SP है हमारा, सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, सेलिंग प्राइस क्या होगा दोस्तों, ये था हमारा कॉस्ट प्राइस CP। अब देखिए सेलिंग यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये हो गया विक्रय मूल्य और ये हो गया हमारा क्रय मूल्य। अब देखिए अब इंटू में 1% में जो लाभ है हमारा, प्रॉफिट है, प्रॉफिट प्रतिशत बटे में 100, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखिए इसको हम किस तरह से करेंगे, एक मिनट ये थोड़ा छोटा लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। अब देखिए इसके अंदर हम पूरा का पूरा फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं। अब देखिए जो विक्रय मूल्य वो निकालेंगे तो यहाँ पे क्रय मूल्य लिखेंगे, क्रय मूल्य कितना निकाला था दोस्तों हमने, 200 रुपये निकाला था, इंटू में 1 जमा में जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है 11% है, 11 बटे में यहाँ पे हमने लिख दिया 100। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, थोड़ी जगह कम है इसमें, यहाँ पे ये आ गया हमारा 200 इंटू में, अब 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक एक के साथ तो 100 रहेगा, 100 जमा में 11, यानी कि ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 111 बटे में 100। ये दोस्तों इस तरीके से जो जमा करते हैं ये हम सभी को आता है, नॉर्मल चीज़ है, शायद ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक चीज़ है। अब देखिए अब आगे क्या होगा दोस्तों, अब ये होगा जैसे कि 20 से 20 हमारी ये कट गई, और जब 111 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा दोस्तों हमारे पास, 222 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। और 222 जो है दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है इसका आंसर। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से ये क्वेश्चन निकाल सकते हैं दोस्तों, और मेरे को लग रहा है कि शायद आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं इसके अंदर, भाई पता नहीं कैसे करके क्या निकाल दिया। आप सभी केवल और केवल एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर ये जो दो फॉर्मूले हैं आप इनको रट लेना, याद कर, आप इन दोनों को ज़रूर याद रखना, क्योंकि इसी के बेस पे हमारा क्वेश्चन निकलेगा। अब देखिए अब हम अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ये जो क्वेश्चन आया हमारा 26 जून 2019 को आया था, ये क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या कहा है कि एक जो है वॉच है वो 10% हानि पे 1800 रुपये में बेची जाती है, तो 10% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या है दोस्तों, इसका क्रय मूल्य पता करना है, यानी कि CP हमें पता करना है। अब देखिए इसका वही फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको बताया था, यानी कि क्रय मूल्य किसके इक्वल होगा दोस्तों, इंग्लिश में इसे हम CP कहेंगे, ये क्या होगा हमारा जो विक्रय मूल्य गुना में 100 बटे में 100 माइनस में जो हमारा लॉस हुआ है वो, ठीक है। अब विक्रय मूल्य हमारे पास यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1800 रुपये गुना में 100 हमने कर दिया, बटे में क्या होगा 100 माइनस में लॉस कितना था हमारा 10, यानी कि 10 जब 100 में से माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा अपने पास 90 हो जाएगा। और जब हम अब देखिए 0 से 0 ही कट गया, 9 × 2 = 18 200 ये आ गया, और 10 ये टोटल यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 2000 रुपये आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 2000 रुपये हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है, SP है, ठीक है।
अब थोड़ा सा एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए, क्रय मूल्य हमें निकालना है। ये देखिए, ये हमारा विक्रय मूल्य है। 10% लाभ पर, सॉरी, 10% हानि पर किसी वस्तु को 1800 रुपये में बेचा जाता है, और जो चीज़ बेची जाती है वो क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। अब आगे देखिए इसमें क्या कहा है, एट विच प्राइस शुड द वॉच बी सोल्ड टू अर्न 10% प्रॉफिट। अब 10% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाएगा। अब बेचने से पहले हमारे पास क्रय मूल्य होना चाहिए, और CP जो है, इसका जो फॉर्मूला था वो मैंने पीछे भी बताया है, यानी कि विक्रय मूल्य गुना में 100 बटे में 100 माइनस में जो हमारी हानि हुई है वो। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले में जब हम इस क्वेश्चन को रखेंगे तो हमारे पास 2000 आ जाएगा। अब देखिए, 2000 हमारा क्या आया है, ये हमारा विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस आया है। अब हम आगे इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, अब हमें विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय यानी कि विक्रय को V से डिनोट कर देते हैं, इसको इंग्लिश में SP, ठीक है। अब देखिए, अब जो फॉर्मूला था हमारा वो था क्या था, क्रय मूल्य यानी कि CP इंटू में 1% जमा में जो हमारा प्रॉफिट है वो P बटे में 100, ये हमने कर दिया, ठीक है। अब देखिए, इसके अंदर हम पूरा का पूरा रखने की कोशिश करते हैं। क्रय मूल्य कितना था दोस्तों हमारे पास, 2000 रुपये इंटू में 1 जमा में प्रॉफिट कितना है, 10% है, बटे में 100। अब देखिए, अब वही वही काम करेंगे जो पीछे किया था हमने, ये 2000 का 2000 रखेंगे, 100 को जब 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 100 ही आएगा, 100 में जब 10 ऐड करेंगे तो 110 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रुकिए, ये एक मिनट, यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ी जगह की प्रॉब्लम है। गुना में यहाँ पे 110 बटे में यहाँ पे हमारे पास 100, 2 जीरो से हमारी ये 2 जीरो कट गई। अब देखिए, अब 20 को जब हम 110 से गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों हमारे पास, 2200 रुपये आ जाएगा। और जो 2200 जो आंसर है दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 के अंदर दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से इस तरह से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है ये, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो ऐसी बात भी नहीं है कि ये आ नहीं सकता। अगर किसी दोस्त को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप इसको, इस वीडियो को आप दोबारा देखना, और किसी भी तरह की अगर दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सअप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी हमारा इसी तरह का क्वेश्चन है, ये आप करके देखना, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो हमें बताना। अब देखिए दोस्तों, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा लॉस एंड प्रॉफिट से बिल्कुल अलग है। ये है हमारा जो टाइम एंड डिस्टेंस है उससे क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे आए हैं। अब देखिए, इसके अंदर इन्होंने क्या कहा है, 2 साइकिलिस्ट स्टार्ट फ्रॉम द सेम पैलेस इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि 2 साइकिल वाले हैं वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। 1 goes toward north at 9 km/h। एक बंदा है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है 9 km/h की स्पीड से, और जो दूसरा जो बंदा है, अदर गोज टुवार्ड साउथ 10 km/h की स्पीड से। अब देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बिल्कुल आसान भाषा में। देखिए, ये एक पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पे 2 साइकिल वाले हैं। अब एक क्या कर रहा है कि वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है और जो दूसरा है वो साउथ की तरफ जा रहा है। दोनों के दोनों अलग अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब एक बंदा है जो वो है 9 km/h की स्पीड से जा रहा है, और जो दूसरा है वो 10 km की स्पीड से जा रहा है। अब आगे इसने कहा है कि वट टाइम विल वी टेक टू वी 47.5 किलोमीटर अपार्ट, यानी कि दोनों एक दूसरे से 47.5 किलोमीटर दूर जाने में उनको कितना टाइम लगेगा, ये बात ये यहां पे पूछ रहा है। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन अगर ऐसे देखा जाए तो काफ़ी डिफिकल्ट है, पता नहीं क्या है, कौन कहाँ पे जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा ये क्वेश्चन। लेकिन अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो हम इसे बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी है हमें कि ये जब चलेंगे तो दोनों एक साथ चलेंगे, और जो टाइम लगेगा दोनों में बराबर बराबर टाइम लगेगा। अब देखिए, यहाँ पर ये 47.5 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम दोनों को 2 घंटे लगाते, मान के चलिए 9, इसमें भी 2 घंटे लगाते और इसमें भी, तो ये क्या हो गया, 9 9 दुनी 18 घंटे हो गए। ये क्या हो गया, 10 दुनी 20 घंटे हो गए। तो ये कितने हो गए दोस्तों, ये 38 घंटे हमारे पास हो गए। तो सबसे पहली बात हमारी क्या आ रही है दोस्तों, वो या तो ए ऑप्शन होगा या फिर हमारा 4 ऑप्शन यानी कि 4th ऑप्शन होगा। इन दोनों ऑप्शन में से एक होना चाहिए। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसके अंदर हम ये दोनों के दोनों यूज़ करके देखेंगे। एक बार तो ये यूज़ करके देखेंगे, एक बार ये यूज़ करके देखेंगे। अब देखिए, इनको हम कैसे लागू करेंगे, ये देखिए। अब हम ये 2.5 घंटे, ये 2.5 घंटे लेके चलते हैं। 2.5 घंटे का मतलब कितना होता है दोस्तों, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2.5 मल्टीप्लाई बाई
9 कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा। जब हम 2.5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा, 22.5 किलोमीटर आ जाएगा। अब दूसरा जो 10 है इसको यूज़ करके देखते हैं, 10 गुना में अब दोबारा से फिर इसमें 2.5 घंटे करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों हमारे पास, ये आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 25। अब इन दोनों को जब हम प्लस करते तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 47.5 किलोमीटर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ मैं थोड़ा सा मानता हूँ कि डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो यही क्वेश्चन हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे। अब हम दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, हाँ ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी अभी तक बहुत बार आ चुका है और ये क्वेश्चन अब दोबारा आने स्टार्ट हो गए हैं। पहले क्या था, ये सन 2011 से पहले काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन कैसे होते हैं, ये जैसे हमने कोडिंग डिकोडिंग करवाई थी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है और उस टाइम हम करवाना भूल गए थे, तो अब कर लेते हैं। अब देखिए, इसने कहा है कि बैट को कोई आदमी 23 लिखता है और कैट को 24 लिखता है, तो बॉल को किस तरह से लिखा जाएगा। अब देखिए बैट को 23 किस तरीके से लिखते हैं, अब देखिए मैंने बताया था बी है वो कितने पे दोस्तों, 2 पे है। ए है वो कितने पे, 1 पे। टी कितने पे, 20 पे। अब इन तीनों को प्लस कीजिए, ये कितना हो गया हमारे पास, 23 हो गया। इसी तरीके से कैट है, कैट हम यहाँ पर लिख लेते हैं कैट। अब देखिए कैट, सी कितने पे, 3 पे। ए कितने पे, 1 पे। टी कितने पे, 20 पे। और ये कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारे पास 24, यानी कि 24 हो गया। इसी तरीके से बॉल है, बॉल कितने नंबर पे आएगा दोस्तों, तो बॉल के लिए आप यहाँ पे लिख लीजिए बी ए डबल एल। तो बी कितने पे, 2 पे। ए कितने पे, 1 पे। एल कितने पे, 12 पे। और एल दोबारा कितने पे, 12 पे। अब इन सभी को प्लस कीजिए, प्लस करने पे क्या होगा दोस्तों, 12 12 दूनी 24 25 26 27, ये कितना आ गया, 27 यहाँ पे आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, और ऐसे ही ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन आप करके देखना, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, ये करके देखना। और इसके अलावा जैसे, हाँ एक ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पहले आया है, काफ़ी बार आए हैं इस तरह के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी हमारे लिए करना ज़रूरी है। अब देखिए इसमें इसने क्या कहा है, इन ए सर्टेन कोड 786 को क्या लिखा जाता है, स्टडी वेरी हार्ड। 786 को क्या लिखा जाता है दोस्तों, स्टडी वेरी हार्ड। और 958 को क्या लिखा जाता है, हार्ड वर्क पेज, ये लिखा जाता है। और 645 को क्या लिखा जाता है, स्टडी एंड वर्क, इस तरीके से इनको लिखा जाता है। तो आगे ये कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोविंग इज द कोड वेरी। अब वेरी के लिए क्या शब्द यूज होगा, 8 होगा, 6 होगा, 7 होगा, या कैन नॉट बी डिटरमाइन, इनमें से क्या होगा। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब देखिए यहाँ पे 786 को स्टडी वेरी हार्ड लिखा जाता है और 958 को हार्ड वर्क पेज लिखा जाता है। अब सबसे पहले इन दोनों के अंदर देखिए, 786 और 958 के अंदर क्या चीज़ कॉमन है। यहाँ पे आप 8 देखिए, 8 इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये देखिए कि इनके अंदर स्टडी वेरी हार्ड यहाँ से यहाँ तक और हार्ड वर्क पेज, इन दोनों के अंदर क्या कॉमन चीज़ है, इन दोनों के अंदर आपको क्या लग रहा है। अब देखिए इसके अंदर हार्ड है और इसके अंदर भी हार्ड है। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो हार्ड है, हार्ड को हम क्या दे देंगे, मार्क 8 दे देंगे, 8 हम मान लेंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब 645 को क्या लिखा जाता है, रुके मैं इरेज कर लेता हूँ यहाँ पे, रुके 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 रुके, हाँ अब देखिए 645 को क्या लिखा जाता है, स्टडी एंड वर्क लिखा जाता है। तो अब देखिए स्टडी एंड वर्क, स्टडी की बात कहाँ पर चल रही है, अब यहाँ यहीं पर चल रही थी, और इसमें देखिए यहाँ पे स्टडी है और इसमें भी स्टडी है। तो इन दोनों में 786 में और 645 में क्या कॉमन है, वो चीज़ देखिए। अब देखिए यहाँ पे 6 है और इसमें भी 6 है, तो 6 का मतलब क्या हो गया दोस्तों, स्टडी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, ये जो स्टडी है, एक मिनट दोस्तों, ये जो स्टडी है इसको हमने लिख लिया 6, और जो हार्ड है, हार्ड का आया था हमारा यहाँ पे 8, यहाँ पे हमने लिख लिया। अब आगे हम क्या देखते हैं कि ये कह रहा है कि
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड वेरी, वेरी जो कोड है उसका मतलब क्या होगा। अब देखिए वेरी कहाँ पे है, कौन से सेंटेंस में है, 786 वाले में है, स्टडी वेरी हार्ड। अब देखिए स्टडी का हमने 6 निकाल लिया, हार्ड का हमने 8 निकाल लिया, तो हमारे पास क्या बच गया, वेरी बच गया ओनली। और यहाँ पे कौन सा अक्षर बच गया, यहाँ पे हमारे पास बच गया ओनली 7 बच गया, क्योंकि 8 और 6 का हमने दोनों का कोड निकाल लिया है, तो वेरी का क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास 7 इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी है, कोई क्वेश्चन समझ में ना आए, तो प्लीज़ आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप नंबर हमारा ये है, यहाँ पे आप मैसेज कीजिए, हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।